प्रदेश के साथ ही जम्मू और कश्मीर में हुई बलात्कार की घटनाओं ने देश को झकझोर के रख दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला अपनी बेटी के साथ दवा लेकर रायबरेली से लौट रही थी और मोहनगंज चौराहे से अपने गांव जाने के लिए एक ऑटो पर बैठ गई। महिला के अनुसार फैजाबाद रायबरेली मार्ग के पास तीन और लोग ऑटो में बैठ गए और ऑटो के कुछ दूर जाने के बाद उस पर सवार चार युवकों ने रास्ते में महिला के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसे डरा धमका कर सुनसान जगह पर ले गए और महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद महिला बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस के उच्च अधिकारी वारदात की पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं मोहनगंज थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।